हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय की। हाँ दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से बड़ी न्यूज़ है, और न्यूज़ ये है कि जिन छात्रों ने 2020 और 21 सेशन में जो है फर्स्ट ईयर में जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लिया था, उनके कोर्सेज के 3 साल को जो है बढ़ा के अब जो है 4 साल कर दिया गया है। यानी कि जो छात्र फर्स्ट ईयर में हैं उनका जो है अब से 4 साल होगा, चाहे वो DU के रेगुलर कॉलेज के छात्र हो, NCVIP के छात्राएँ हो, या फिर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के छात्र हो। तो आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे कि आखिर क्या क्या बदलाव हुआ है, आखिर ये जो है क्या पूरा मामला है। तो आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा, ताकि DU से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे इस चैनल पे आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ये जो है चेंजिंग जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो है हुई है, ये जो है सरकार के द्वारा जो है लाया गया था, और जिसमें जो है कई तरह के बदलाव जो है शिक्षा में जो है किया गया था। खासकर जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जो है इस साल दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है इस बार से। तो जो भी छात्र हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, चाहे किसी भी कोर्सेज में क्यों ना हो, आपको रेगुलर कॉलेज हो या फिर SOL हो या फिर NCVIP क्यों ना हो, सभी में जो है ये इस साल से लागू कर दिया गया है। तो अब जो आपका जो कोर्सेज हो, चाहे BA प्रोग्राम हो, BCom प्रोग्राम हो, BCom ऑनर्स हो, या फिर BA ऑनर्स हो, BSc ऑनर्स हो, सभी का जो है कोर्सेज स्ट्रक्चर जो है चेंज हो गया है। जो 3 साल अभी तक जो आप कर रहे थे वो जो है अब 4 साल में जो है आपको करवाया जाए। पहले जो है आपको 3 साल करना होता था किसी भी कोर्सेज में आप एडमिशन लेते थे, लेकिन अब जो है ये 4 साल में करना होगा, और आपको जो है 1 साल एक्स्ट्रा का जो है आपको इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट मिलने वाला है, जिसमें कई तरह के पढ़ाई जो है इसमें जोड़ा गया है। तो वो आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है क्या क्या कहा गया था। तो दोस्तों इसमें साफ साफ कहा गया था कि जो है शिक्षा के लेवल पर जो है बदलाव किया जाएगा, और जो उच्च शिक्षा है यानी कि ग्रेजुएशन जो है 3 साल का होता था उसको जो है बढ़ा करके जो है 4 साल कर दिया जाएगा। और यहाँ पे छात्रों को जो है कुछ तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे कि बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो है फर्स्ट ईयर करके जो है छोड़ देते थे पढ़ाई, या किसी कारण से जिसकी पारिवारिक स्थिति जो है अच्छी नहीं होती थी तो वो मजबूरी में छोड़ने को मजबूर थे, लेकिन उसके बाद जो है वो अगर चाहते भी थे कि हम जो है सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लें, तो वो जो है नहीं, संभव नहीं था, उसको जो है दोबारा शुरुआत से ही जो है फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना होता था। तो इसलिए जो है दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से जो इस बार जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, एजुकेशन पॉलिसी इस बार जो लागू किया गया, उसमें साफ साफ यही कहा गया है कि अगर आप चाहते हो कि 1 साल में अगर आप जो है पढ़ाई छोड़ देना चाहते हो, या फिर जो है कोई समस्या आ गई है आपके पास में, तो आप जो है 1 साल करके भी जो है छोड़ सकते हो। उसके बाद जो है 1 साल में जो है आपको सर्टिफिकेट का जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। बाकी अगर आप 2 साल करते हो यानी कि 2 साल के बाद छोड़ते हो तो आपको जो है डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल करते हो तो आपको जो है डिग्री मिलेगा, और अगर आप 4 साल करते हो पूरा तो आपको जो है डिग्री के साथ में जो है स्पेशलाइजेशन का जो है रिसर्च का जो है आपको जो है पूरा डिग्री मिल जाएगा, और आप जो है अच्छे से जो है क्वालिफाइड माने जाएंगे। तो यही है इस नोटिफिकेशन में, यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि DU के वेबसाइट पे जो है जारी किया गया है, और इसमें जो है साफ साफ पूरे जो है बताया गया है, इसमें जो है सभी कोर्सेज का जो है चेंजिंग हो चुका है। जैसे मान लेते हैं पहले जो आपका अगर BA प्रोग्राम का किसी छात्र का था, तो अब जो है इस कोर्सेज का जो है नाम बदल दिया गया है, अब जो है BA ऑनर्स ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेज जो है BA प्रोग्राम के कोर्स का जो है नाम बदल के रख दिया गया है। जिसका BCom था उसको जो है BCom स्टडी ऑनर्स रख दिया गया है। तो ये सब जो है बहुत तरह के जो है बदलाव हुई है, तो ये आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब जो है साल 1 साल में जो है अगर आप 1 साल करके जो है चाहते हो कि आप जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के इस कॉलेज में ना पढ़ के हम जो है किसी प्राइवेट में चले जाए, या फिर कहीं और चले जाए, या 1 साल बाद में जो है मैं एडमिशन लेना चाहता हूं, तो ये भी जो है आपके लिए जो है आसान हो गया है। अब जो है आप 1 साल पढ़ के भी जो है छोड़ सकते हो, या गैप लेके जो है सेकेंड ईयर में दूसरे कॉलेज में जो है कहीं पर एडमिशन ले सकते हो। तो ये सभी छात्रों के लिए जो है ये ध्यान रखने वाली बात है, जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला था। बहुत सारे ऐसे छात्र थे, चाहे वो SOL के हो, चाहे DU के रेगुलर कॉलेज के हो, किसी के कारण जो है आर्थिक स्थिति के कारण जो है वो पढ़ाई छोड़ देते थे, तो ये जो है अब उनके पास जो है मौका मिला है कि वो जो है अब दूसरे कॉलेज में भी जो है जब उसकी स्थिति ठीक हो तो वहाँ पर जो है एडमिशन सेकेंड ईयर हो या फिर थर्ड ईयर में जो है वो जाके एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं बता दूं कि 4 साल पे जो है ये बैचलर डिग्री जो है ये रिसर्च के साथ मिलेगा, यानी कि आप पूरे 4 साल करते हो तो आपको जो ये बैचलर डिग्री मिलेगा वो रिसर्च के साथ में मिलेगा,
और इसमें जो है बीए प्रोग्राम में, खासकर मैं बता दूं बीए प्रोग्राम की मैं चर्चा कर लूँ, यहाँ पे जो है आपको कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज जो है पढ़ाया जाएगा, जिसमें जो है सोशल एंड इमोशनल लर्निंग और जो है एक्स्ट्रा कोर्सेज जो है करवाया जाएगा, जैसे सिंगिंग डांसिंग का जो है ये कोर्सेज होता है एक्स्ट्रा करिकुलम जो है, इसमें जो है ये पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपका कोर्सेज है कोर्सेज के हिसाब से भी जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या जो है आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ाया जाएगा और सेकेंड सेमेस्टर में जो है क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो इसी को लेके जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनर्स कोर्सेज के लिए जो है बीए ऑनर्स के छात्रों के लिए है, यहाँ पे बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स और साथ में जो है बीकॉम ऑनर्स के छात्रों के लिए। मैं आपको बता दूं कि जिन छात्रों का बीएससी था यानी कि बीएससी प्रोग्राम था, उनको भी जो है अब बीएससी प्रोग्राम ना होके उसको भी जो है बदल दिया गया है और अब जो है बीएससी ऑनर्स हो गया है। इसमें जो है आपको शुरुआत में जो है लैंग्वेज, खास तरह के जो है लैंग्वेज आपको जो है चूज करना होगा, जिसमें जो है इंडियन लैंग्वेज आपको जो है ज़रूर होना चाहिए। इसमें जो है आपको लैंग्वेज एंड लिटरेचर पढ़ाया जाएगा और भी जो है अदर्स कुछ आपको चूज करने का भी जो है ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप जो है चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड सेमेस्टर में जो है डिसिप्लिन कोर्सेज में जो है आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना होगा, एनवायरमेंटल साइंस एंड, तो ये सब जो है आपको पढ़ाया जाएगा। और स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज में जो है दो पेपर आपको जो है पढ़ना होगा, दो चूज कर सकते हैं और दो जो है आपको ये जो है खुद देंगे। तो इस तरह से जो है कई तरह के जो है इसमें बदलाव हुए हैं, तो जो भी सब्जेक्ट है आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे जो है आप दे सकते हैं। तो मैं मोटा मोटी आपको बता दूं कि 4 साल का जो डिग्री है अब आपको मिलेगा और स्पेशल रिसर्च के साथ, जिसमें आपको जो है प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, सभी कुछ करवाया जाएगा। और इसमें जो है सिर्फ प्रैक्टिकल ही नहीं करवाया जाएगा, आपको जो है इंटर्नशिप भी करना होगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे कुछ सब्जेक्ट लेते हैं या रिसर्च करते हैं, इस पर आपको इंटर्नशिप भी करवाया जाएगा, जो कि आपकी जॉब में जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें जो है आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आप जो है अच्छे से जो है अपनी एजुकेशन का जो है फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये जो है अच्छा हुआ है मेरे ख्याल से, बाकी जहाँ तक मुझे समझ आया उसके हिसाब से जो है ये ठीक लग रहा है अभी तक जो है मोटा मोटी। लेकिन अब जो है यहाँ पे सवाल उठता है कि SOL में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्हें पहले ही जो है टोटल 5 कोर्सेज होता है, जिसमें बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, इंग्लिश ऑनर्स, पोल साइंस ऑनर्स और साथ में जो है बीकॉम ऑनर्स मिलता है। इन्हीं 5 कोर्सेज में जो है उनको पढ़ना होता है, ज़्यादातर कोर्सेज तो SOL में है ही नहीं। तो ऐसे में क्या SOL के छात्र भी जो है रेगुलर कॉलेज की तरह जो है कुछ स्पेशल कोर्स पढ़ पाएंगे या फिर नहीं पढ़ पाएंगे, ये अभी सवाल है। इसको लेके जो है SOL की तरफ से जो है अभी तक कुछ नहीं कहा गया है और ना ही जो इसको लेके जो है कुछ बताया गया है। बाकी जब भी क्लियर होगा तो हम ज़रूर इस पर वीडियो और भी बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी आपको मोटा मोटी जो है मैं यही समझा दूं कि आपका जो है 1 साल में अगर आप करके छोड़ देते हैं तो आपको जो है सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में करते हैं तो आपको जो है बैचलर डिग्री दिया जाएगा और 3 साल पे आपको जो है बैचलर डिग्री जो मिलता था वही मिलेगा। और साथ में अगर आप 4 साल पूरे करते हैं तो आपको जो है बैचलर डिग्री के साथ में जो है रिसर्च का भी जो है स्पेशल डिग्री, यानी कि आप कहते हैं कि अच्छा उसमें जो है आपको मिलने वाला है, जो कि काफ़ी आपके जॉब में जो है काफ़ी फ़ायदेमंद जो है होने वाला है। और इसमें जो है अच्छे अच्छे तरह से जो है आपको कोर्सेज सिखाया जाएगा, जिसमें जो है आपको IT के कई कोर्सेज हैं, आपको जो है एथिक्स के कोर्सेज हैं और भी कई तरह के कोर्सेज हैं लैंग्वेज की जो है। अगर आप किसी दूसरे, जैसे आप बीए प्रोग्राम करो यानी कि आप जो है आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, यानी कि आपका कोर्सेज जो है आर्ट्स है, और अगर आप चाहते हो बीकॉम का कोई कोर्सेज पढ़ने के लिए, तो आपको जो है उस वो भी चूज करने का जो है ऑप्शन मिलेगा। तो ये जो है आपके लिए जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो यही है, बाकी यहाँ पे आप जो है सब्जेक्ट देख ले, और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है हमें कॉमेंट करके भी जो है पूछ सकते हैं। बाकी यही है, बीएससी का भी जो है सेम टू सेम है और बीकॉम का भी जो है लगभग सेम टू सेम ही है, जिसमें जो है आपको जो है 4th साल में जो है स्पेशल 1 साल जो है आपको स्पेशल करवाया जाएगा, चाहे वो बीए प्रोग्राम हो, बीए प्रोग्राम जो कि अब बदल जाएगा, बीए प्रोग्राम ना रह के जो है बीए ऑनर्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस हो जाएगा, और भी जो है सारे ऑनर्स हो जाएगा, यानी कि प्रोग्राम अब होगा ही नहीं, आपके कोर्सेज का नाम जो है बदल गया, अब जो है सारे ऑनर्स कहलाएगा, अब प्रोग्राम होगा ही नहीं। तो इसी तरह से जो है आपको जो है 3 साल अच्छे से करना है, उसके बाद 4th साल में जो है स्पेशलाइजेशन आपको जो है करवाया जाएगा, रिसर्च करवाया जाएगा, और इसमें को लेके जो है अलग अलग चीज़ें भी जो है आपको पढ़ने को सीखने को मौका मिलेगा। तो दोस्तों यही था हम, बाकी इसको लेके और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो इतना ही,
बाकी और भी जब तक पूरे डिटेल में हमें पता चलता है, अगर हम और भी देखते हैं इस नोटिफिकेशन में और भी अच्छे तरह से जानकारी हम जुटा पाते हैं, तो आपको जो हम वीडियो बना के अच्छे से और भी इसको लेके जो है एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।